सीकर जिले का फतेहपुर कस्बा शेखावाटी एरिया का एक समृद्ध और सुसंस्कृत इलाका है। यहाँ की हवेलियां और बावड़ियां तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही, फतेहपुर का परिवेश, यहाँ के लोग और यहाँ का खान पान भी निराला है। धर्म और कर्म में यहाँ सभी की आस्था देखी जा सकती है। फतेहपुर में बुधगिरी जी की मढ़ी पर लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनों के लिए आते हैं। ये वही पवित्र धाम है जहां संत शिरोमणि श्री बुधगिरी जी महाराज ने विक्रम संवत 1862 में तप, साधना और योग के बल पर जीवित समाधि ली थी। जीवों के प्रति दया और खासकर गौ माता की सेवा की भावना तो यहां देखते ही बनती है। इस इलाके में बड़ी संख्या में गौवंश देखने को मिलता है। दुधारू और उपयोगी गौवंश तो घरों के आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन निराश्रित गायें दर दर भटकती हुई और पेट भरने की जुगत में इधर उधर घूमती देखी जा सकती हैं। इनमें से कई तो दुर्घटनाओं में घायल होकर दम तोड़ देती हैं या फिर जीवन भर विकलांगता का दंश झेलती हैं। कहते हैं कि देसी गायों में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए देसी गायों को गौ माता कहकर पुकारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। श्री बुधगिरी जी मढ़ी के महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज एक जाने माने गौ भक्त हैं। देसी गायों के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महंत जी का बड़ा भारी योगदान है, इसलिए इन्हें राजस्थान गौ सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। महंत दिनेश गिरी जी की गौ भक्ति और फतेहपुर क्षेत्र की जनभावनाओं के कारण ही वर्ष 2002 में बुधगिरी जी की मढ़ी की गोद में ही एक भव्य गौ तीर्थ की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया कामधेनु गौशाला। दरअसल स्वयं बुधगिरी जी महाराज एक बहुत बड़े गौ भक्त थे और यहां पर पहली गौशाला उन्होंने ही शुरू की थी। गायों की सेवा से ही उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई और इससे ही वे तप साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त कर सके थे। इसी कारण इस तपोभूमि पर गौशाला का संचालन एक बहुत ही पवित्र अभियान माना जा रहा है। आज इस गौशाला में 800 से अधिक गौवंश है। इस गौशाला का संचालन स्वयं महंत दिनेश गिरी जी महाराज संभाल रहे हैं। आलिशान क्रिएशंस यूट्यूब चैनल की टीम जब इस आलिशान गौशाला की कवरेज करने पहुंची तो पाया कि महंत जी गौशाला में गौ माताओं की देखभाल के लिए परिसर में ही मौजूद हैं। उन्होंने हमें सहर्ष वीडियो बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जगो माता, जगोपाल, आलिशान क्रिएशन के सभी आप दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आलिशान क्रिएशन पर आप आज एक आलिशान एपिसोड देखने वाले हैं। आपने इस चैनल पे खूब सारी ऐसी महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की बातें देखी होगी, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वो देख करके आप अवश्य ही कहेंगे कि आलिशान क्या बात। आइए तो हम आपको यहाँ शेखावाटी की जो बुधगिरी मढ़ी है 215 साल प्राचीन, उसके द्वारा गौ सेवा का बहुत बड़ा काम होता है, कार्य होता है, तो उस गौशाला में हम सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो वार्ड है धन्वंतरी वार्ड, उस धन्वंतरी वार्ड के आपको हम दर्शन करवाते हैं। यहाँ हम आसपास में जो फतेहपुर शेखावाटी के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में परिधि में जो भी गौमाताएँ वेद लक्षणा गौमाताएँ जो एक्सीडेंट हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, दुर्घटना में घायल हो जाती हैं, उनको एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से जाकर के लेकर आते हैं और यहाँ उनका इलाज होता है। ये देखो अभी कल जो दीपावली थी, दीपावली के दिन रात्रि को खोटिया में इसका ये नंदी है, इसका एक्सीडेंट हुआ, तो अभी इसका इलाज कर रहे हैं और पूरा यहाँ रिकॉर्ड वो रखा जाता है। जैसे गायें आती हैं तो कौन सी जगह से आई हैं और किसने सूचना दी है और क्या उसके समस्या, जैसे एक बहुत बड़े मेंटन हॉस्पिटल में जैसे मनुष्य का इलाज होता है उस तरीके से रिकॉर्ड के साथ यहाँ इलाज किया जाता है। और यहाँ तमाम जो ये गायें हैं सब घायल गायें हैं, बीमार गायें हैं, इनका इलाज होता है और यहाँ जो स्वस्थ हो जाती हैं उनके बाद उनको अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उस वार्ड के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो बहुत सी गायें ऐसी होती हैं जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाती हैं, जैसे लगभग ये नंदी है तो इनके तीन पांव, तीनों के चारों पांव इसके टूटे हैं, तो इनका ऑपरेशन होगा और शायद ये विकलांग की श्रेणी में आ जाएगा। तो विकलांग जो गोवंश है उनको एक अलग वार्ड में रखा जाता है, तो उनका उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये संवेदनशील ये वार्ड है और यहाँ तमाम जो चिकित्सक हैं, कंपाउंडर हैं, उनका पूरा स्टाफ है और साफ सफाई आप देख सकते हो। धन्वंतरी चिकित्सालय के एक वार्ड में दुर्घटना में घायल
और अनेक बीमार गौवंश का उपचार होते देखकर मन करुणा से भर गया। बड़ी श्रद्धा भाव से चिकित्सा कर्मी इनकी सेवा कर रहे थे। कामधेनु गौशाला में एक एम्बुलेंस भी है जो दूर दराज से मरीज और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को यहाँ लेकर आती है और उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो ये है अभी जो धन्वंतरी में एम्बुलेंस है वो आप देख रहे हैं, और अभी ये आप पास में से देखते हैं कहाँ से गोवंश को लेके आए हैं, और पूरा इसमें आयलोडिक सिस्टम है, तो कितने भी चाहे छोटी है चाहे बड़ा भी गोवंश है तो एक व्यक्ति भी इसको ला सकता है, पूरा खोल के ये पूरा नीचा आ जाएगा। तो आज अभी हम देखना चाहते हैं, ये एक छोटा बछड़ा है, कोई कमज़ोर बछड़ा है, उसको लेकर के आए हैं अभी जस्ट ही, तो इसका इलाज होगा। तो लाने का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, उतारने का इसको कैसे उतारते हैं करते हैं इसको। पूरा ये जिसको डाला बोलते हैं देसी भाषा में, पूरा नीचे आ जाता है और आराम से, ये तो छोटा बछड़ा है लेकिन बड़ा भी अगर बछड़ा है या बड़ी गाय भी है तो आराम से उसको डालने में और उतारने में, चढ़ाने उतारने में कोई समस्या नहीं। तो ऐसा ये इस विशेष गुजरात से एम्बुलेंस बनाई हुई। एम्बुलेंस से लाए जाने वाले गौवंश का यहाँ बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रजिस्टर है, ये पूरा रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। जैसे ये गौ माता है, सीरियल नंबर, डेट, हाँ सीरियल नंबर, ये 25/10/21 को गाय आई है, उसके ये टेक नंबर है और रेक क्या है और कौन सी जगह से आई है और ये सूचना किसने सूचना दी, जिसने सूचना दी और उसके मोबाइल नंबर और उसके क्या प्रॉब्लम है और उसका डे वाइज उसका क्या इलाज ट्रीटमेंट होता है और एंड में उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्या उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है। तो ऐसे पूरा रिकॉर्ड इसमें यहाँ रखते हैं हम। और उधर ये चैम्बर बना हुआ है, वहाँ दवाई वगैरह और सारी बहुत ही आप साफ सफाई देख सकते हैं। और दोनों समय इनको जैसे जिस गोवंश के क्या समस्या है, जैसे डॉक्टर अप्रूव करते हैं उस हिसाब से पौष्टिक आहार, सुक्का हरा चारा, दवाई वगैरह बहुत अच्छे ढंग से आपको दी जाती है। तो ये मेडिकल है और उसके बाद में आपको और अन्य वार्ड भी दिखाएंगे। बहुत बड़े एरिया में फैली फतेहपुर शेखावाटी की इस कामधेनु गौशाला का प्रत्येक बाड़ा एकदम नीट एंड क्लीन है। इस गौ तीर्थ की एक खास बात और भी है, वो ये कि यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि गौ माताओं से मिलने वाला दूध बेचा नहीं जाता। यहाँ चारा संग्रह केंद्र भी है और व्यायाम और यज्ञशाला भी। प्रातः है नित्य यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के फतेहपुर के लोग आते हैं, योग करते हैं और भी ऐसी बहुत गतिविधियाँ यहाँ निरंतर धर्म से सेवा से जोड़ने की निरंतर चलती रहती हैं। अभी जो पिछला श्रावण गया था, श्रावण में एक माह का बहुत बड़ा अनुष्ठान यहाँ हुआ था, युवा लोगों को जोड़ करके 108 लोग जो प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्रों को जाप करते थे, रुद्राभिषेक करते थे। तो निरंतर यहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं और लोग सात्विकता का भाव हृदय में कैसे धारण कर पाएँ, इसके लिए जप, ध्यान, अनुष्ठान, शिविर, अनेक ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे एक नई चेतना आज के लोग प्राप्त करें। यहाँ सब लोगों का सहयोग भी रहता है, गौशाला का जो आप कार्य देख रहे हैं, वैसे तो 200 वर्षों से यहाँ गौ सेवा होती रहती है लेकिन ये भी जो कामधेनु गौशाला आपने देखी है, पूज्य पथभेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से सन 2002 में श्री कामधेनु गौशाला की स्थापना हुई थी। जब से स्थापना हुई है तब से अब तक आपने जो सेवा कार्य देखे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एक अभियान चलाकर कामधेनु गौशाला में बड़ी तादाद में वृक्षारोपण किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विविध प्रकार के लगभग 15,000 पौधे लगाए गए जो कि अब विशाल वृक्ष बनने जा रहे हैं। धेनु धरती वृक्षारोपण महाअभियान बुधगिरी मंडी के द्वारा प्रारंभ हुआ है जो 2017 से लेकर अभी 2021 तक कम से कम 15,000 से भी अधिक
पेड़ हम यहाँ लगा चुके हैं 15,000, जिसमें नीम है, कनेर है, बगनबेल है और आंवले के भी हैं, अशोक के भी हैं। ऐसे बहुत से जो रेगिस्तान में पेड़ लगते हैं वो लगाए हैं। अभी आपने गौशाला परिक्रमा मार्ग में और ये जो पीछे धेनु वाटिका अभी आपने देखी है, इसमें तमाम यहाँ जो पेड़ लगे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, ड्रिप लगाया है, व्यक्तिगत उनको संभाल देख रेख होती है, तो पर्यावरण का भी यहाँ बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। गौशाला परिसर में ये है कुदरत का एक करिश्मा। ये एक गूंदी का पेड़ है और इसी के साथ उगाए हैं 7 अलग अलग तरह के पौधे। और आइए अब दर्शन करते हैं गौरी गौ माता आवास के। अभी आपने जैसे श्री कामधेनु गौशाला का धनवंतरी वार्ड देखा है, वैसे ही ये सबसे महत्वपूर्ण गौरी माता का अवार्ड है। एक बहुत अच्छी आपको हम बात बताएंगे, गौशालाएं खूब चलती हैं राजस्थान में, अभी वर्तमान में लगभग 3,000 से भी अधिक गौशालाएं हैं, लेकिन गौशालाओं में प्रतिदिन आरती गौ माता की होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये गौरी गौ माता है, यहाँ इसका इस वार्ड में पूरा परिवार है और यहाँ प्रत्यक्ष गौ माता की प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय आरती होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। और हम सबका एक ये आग्रह भी रहता है कि जो भी गौशालाएं हैं वहाँ गौमाताओं की आरती होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आरती होगी तो एक जो गाय के प्रति और गौशाला के प्रति जो पूज्य भाव है वो आएगा, और ये आवश्यक है क्योंकि हम गौ सेवा करते हैं, गौशाला संचालन करते हैं, तो तब तक गौ माता के प्रति जो पूज्य भाव, आदरण का भाव जब नहीं आएगा तब वो सेवा का अभाव कहीं ना कहीं रहता है। तो यहाँ हम आपको दर्शन करा रहे हैं गौरी गौ माता के, जहाँ प्रतिदिन गौ माता की आरती होती है। कोई भी सामाजिक कार्य जन सहयोग और इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है। फतेहपुर की इस कामधेनु गौशाला में भी दानदाताओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। महंत दिनेश गिरी जी महाराज इन भामाशाहों को याद कर गर्व महसूस करते हैं। सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा। अभी आपने जो एक नया वार्ड देखा है धनवंतरी चिकित्सालय का बना हुआ है, सुभाष जी जांगिड़ जो NRI हैं, UAE रहते हैं दुबई, उनके सहयोग से बना है, पूरा एकदम पैक है, जाली लगा करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उसके पहले प्रारंभ में बम्बई के बहुत बड़े भामाशाह थे राम प्रसाद जी श्राफ, जो अब देवलोक गमन हो गए, उनका भी खूब सहयोग रहा, उन्होंने भी खूब गौशाला में सहायता प्रदान की। और अभी वर्तमान में यहाँ के फतेहपुर के ही हैं और बम्बई प्रवासी हैं गिरधारी लाल जी मोदी, उन्होंने भी सब प्रेरणा से यहाँ एक बहुत बड़ा गो आवास बनाया है। उसके अलावा भी निरंतर वो गौ सेवा करते रहते हैं। ऐसे बहुत से भामाशाह गौ भक्त हैं जो पर्यावरण रक्षा से लेकर के गौ रक्षा में और अनेक जो कार्य हैं, यहाँ की गतिविधियाँ होती रहती हैं, उनमें उनका सहयोग रहता है। सीमित साधनों के साथ देसी गौवंश की उच्च कोटि की सेवा कर पाना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए केवल आर्थिक संसाधन जुटाने ही काफी नहीं होते, वरन हृदय में गौ भक्ति और सेवा भाव भी होना जरूरी है। कभी कभी गौ सेवकों को गौवंश के हिंसक होने की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। हमारे देश में भारतीय नस्ल की देसी गाय एक लंबे अरसे से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रही है। गाय के दूध और उनसे बनने वाले उत्पाद आज सर्वत्र पसंद किए जा रहे हैं। देसी गायों का दूध जहां अमृत के समान माना गया है, वहीं गौमूत्र भी औषधि के रूप में रिकमेंड किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में देसी गौपालन का महत्व और बढ़ जाता है। राजस्थान गौ सेवा समिति इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। पूरे राजस्थान में राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा कार्य पिछले 15 वर्षों में हुआ है वो अद्वितीय है। कम समय में उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इतना ही होगा कि पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें गौ मंत्रालय की स्थापना है। साथ में ही सभी गौशालाओं को प्रतिवर्ष 600 से 700 करोड़ रुपया सहायता राशि के रूप में, अनुदान के रूप में मिलता है। ये एक संक्षेप में मैंने बताया है, ये जो कार्य हुआ है ये राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से हुआ है। आपने पूरा वीडियो देखा है,
इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद। और ये चैनल जो हमारे बोरा जी हैं, बहुत पुराने हमारे, मैं तो उनको मित्र ही कहूँगा, क्योंकि मैं शिष्य बनाता ही नहीं हूँ और मैं अपने आप को गुरु के लायक ही नहीं समझता हूँ, इसलिए सारे मेरे मित्र हैं। और बोरा जी बहुत जब दूरदर्शन चैनल में जब सेवा करते थे, उस समय गौ सेवा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी वो एपिसोड बनाए थे, उस समय आप लगभग पाँच साल पहले हमसे मुलाकात हुई थी, यहाँ आए थे। तो अभी आज और नई एक वो लोकेशन लेके आए हैं, तो उनको भी मैं आभार, और मेरा आग्रह रहेगा इस चैनल के माध्यम से धर्म और देश की अनेक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हम सबको आपके द्वारा प्राप्त होती रहेंगे। तो इनका भी बहुत बहुत आभार बोरा जी का, और आप सबका पुनः आभार। आपने पूरा वीडियो देखा। जय गो माता, जय गोपाल।